हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप अ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, द मॉयन एम्पायर। स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ द एम्पायर, इट इज अ लास्ट टेरिटोरियल एरिया। देखो, एक लास्ट एरिया होता है जब किसी किंग के अंडर एक बहुत बड़ा एक एरिया आ जाता है किसी कंट्री का, लाइक होल ऑफ द कंट्री या फिर हाफ ऑफ द कंट्री कम्स अंडर अ किंग, देन इट बिकम्स एन एम्पायर। तो वो एन द किंग हिमसेल्फ कॉल्ड एन एम्परर। एन मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट किंग इन इंडिया हु एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। यू कैन चेक इट इन दिस मैप। दिस इज अ पिंक कलर का जो एरिया है हमारे इंडिया का, पाकिस्तान में जो एरिया है, सम पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान आल्सो। ठीक है, इन दिस वे दिस पार्ट वॉज अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। एंड पाटलिपुत्र हेट इज लोकेटेड, पाटलिपुत्र जो थी इट वॉज इट्स कैपिटल सिटी, जो कि आज की हमारी पटना है। तो पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल सिटी। ये देखो, इतना बड़ा जो एरिया है हमारे इंडिया का, तक्षशिला था यहाँ पर। ठीक है, इतना बड़ा जो एरिया है, दैट वॉज अंडर द फर्स्ट टाइम किंग। ठीक है, एंड ही वॉज द चंद्रगुप्त। सो कैप्टन वॉज पाटलिपुत्र, दैट वॉज कॉल्ड द पटना, एंड ही एस्टेब्लिश द फाउंडेड मौर्य एम्पायर इन द 4th century BCE। तो 4th century BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फाउंडेड किया था, मौर्य एम्पायर को। स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एम्पायर। तो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, लिटरेरी सोर्सेज एंड द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। देखो, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं इन विच वी हैव सम रिटन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जब हमारे पास कुछ एक रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड द लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल होती हैं जो हमारे पास कुछ एक ऐसी बिल्डिंग्स हैं, उनके रिमेन्स वगैरह हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। फर्दर, लिटरेरी सोर्सेज आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अर्थशास्त्र, अ बुक विच इज रिटन बाय कौटिल्य, एंड इंडिका विच इज रिटन बाय द मेगिस्थनस। एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अशोकन एंडिक्स एंड द सांचीस्तूपा। स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, जो सोर्सेज में आपको ओनली यही करना है, यही आपके सिलेबस से मेंशन है। आप यू कैन चेक योर सिलेबस ऑल्सो। ओनली आपको सिलेबस में अर्थशास्त्र, इंडिका एंड अशोकन एंडिक्स सांचीस्तूपा, यही आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, यही से पूछा जाएगा आपको एग्जाम्स में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अब क्या था, इट इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ पॉलिटिक्स, रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। ट्रेजर हाउस है, मीन्स एक पूरा का पूरा एक ट्रेजर है, इतनी ये बुक है जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में कि हाउ द किंग कैन रूल डिप्लोमेटिकली, कैसे वो रूल करेगा, कैसे दूसरे किंग को डाउनसेट कर सकता है, कैसे अपने जो नॉबल्स हैं उनको अपने अंडर रखेगा, उनको उसके जो मिनिस्टर्स हैं अंडर, उसके काम करते हैं उनको कैसे अपने अंडर रखेगा, कैसे दूसरे जो किंग्स हैं, दूसरे नेशंस जो कंट्री से किंग्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस को मेंटेन करना है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स लोगों के वेलफेयर के लिए किस वे से वर्क करना है, ऑल दी थिंग्स आर गिवन इन द अर्थशास्त्र। एंड स्टूडेंट्स, एंड मोर ओवर अवर टुडे पॉलिटिक्स सिस्टम एंड सम पार्ट ऑफ अवर टैक्सेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बुक अर्थशास्त्र। ओके, आपने सुना होगा चाणक्य नीति के बारे में, अगर आपने कभी मैसेज वगैरह में देखा हो तो चाणक्य नीति, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो उसमें गिवन है जो रूल्स प्रिंसिपल्स गिवन है, दैट आर कंटेन्ड इन द अर्थशास्त्र। इट वॉज रिटन इन संस्कृत, तो संस्कृत में लिखा गया है इसको, बाय द कौटिल्य। कौटिल्य कौन था, ही वॉज एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त का एडवाइजर था, उसका PM था, प्राइम मिनिस्टर था उसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त के कोर्ट में। ठीक है, कौटिल्य, एंड वॉज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त एंड चाणक्य। तो कौटिल्य के बड़ा 3 names है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एंड चाणक्य, 3 names है एक ही पर्सन के। सो डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट हिम। एंड ही वॉज एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ही हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, जिसके बारे में आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन आई विल टेल यू अबाउट द रोल ऑफ द चाणक्य इन हिज लाइफ। इट कंटेन्स 6,000 श्लोक्स, तो इसमें अर्थशास्त्र में 6,000 श्लोक्स गिवन है, एंड इज डिवाइडेड इंटू 15 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, एंड देयर आर 180 subjects, इसमें 180 subjects गिवन है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस बुक वॉज डिस्कवर्ड इन 1909। अब इस बुक को देखो, 1909 में डिस्कवर्ड किया गया था दोबारा से,
एंड वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. तो उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. सेकेंड इज द इंडिका. इट इज अ बुक रिटन बाय मैगथनीस. तो ये मैगथनीस ने इस बुक को लिखा है. हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. जो कि ग्रीक कंट्री से एक एम्बेसडर था. एम्बेसडर कौन होता है? लाइक अ मैसेंजर. जो एक रूलर की तरफ से, किंग की तरफ से एक मैसेंजर आता है दूसरे किंग के पास, दैट इज कॉल्ड अम्बेसडर. तो मैगस्थनीस जो था वो एक एम्बेसडर था ग्रीक रूलर जो था उस टाइम पर, सेलुलकस ग्रीक रूलर का एम्बेसडर था मैगथनीस. ही रोड द बुक इंडिका एंड ही स्टेड इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य. ही स्टेड इन इंडिया फॉर 14 years. तो 14 years इंडिया में रहा एंड आउट ऑफ दिस 14 years फॉर 5 years ही स्टे इन द पाटलिपुत्र. तो पटना में इसने पाटलिपुत्र में 5 years इसे स्टे किया था. बट इन द होल ऑफ द इंडिया ही स्टेड 14 years. एंड दिस बुक्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ ऑफ द किंग. उस टाइम का अब देखो जो कुछ उसने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, मैगथनीस जब यहाँ पर रहा इंडिया में, उसे जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि किंग का रूल कैसे है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उसका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, किंग की लाइफ कैसी है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सारा का सारा जो था उसका जो मीन्स उसकी आप कह सकते हो जो एक्सपीरियंस था उसका जो इंडिया में रहने का, ही नो डाउन इट इन अ बुक दैट इज कॉल्ड द इंडिका. ओके इंडिका जो बेटा इसका ट्रू वर्जन अवेलेबल नहीं है, जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो अवेलेबल नहीं है. बट कुछ एक ग्रीक स्कॉलर्स ने के पास इसकी कुछ एक आप लगा सकते हो कुछ कॉपीज वगैरह हैं इसकी, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में. ओके उसके बाद है अदर सोर्सेज. अब अदर सोर्सेज लिटरेरी अदर सोर्सेज कौन कौन से हैं? दैट इज मुद्रा राक्ष जो कि एक ड्रामा है रिटन बाय द विशाखा दत्त. एक ड्रामा जो कि विशाखा दत्त ने लिखा है, मुद्राक्ष जो कि अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एम्पायर. देन सेकंड इज द महावंशा एंड दीपवंशा. महावंशा एंड दीपवंशा दैट आर द पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर. ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के पार्ट है. दीज आर द अदर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, लिटरेरी सोर्सेज. नाउ कम टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अशोका एडिक्ट्स. अब देखो अशोका के बारे में आप सभी जानते हो, अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया. इसके रिलेटेड हमारे इवन फ्लैग में भी इसको प्लेस दिया गया है. ठीक है, आपको पता है जो सेंटर में जो एक व्हील है दैट इज कॉल्ड अशोकन व्हील. तो ये अशोका जो था इट वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया. सो एडिक्ट्स क्या होते हैं? एन एडिक्ट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इशूड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी. एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है एडिक्ट जो कि, और प्रोक्लेमेशन मीन्स अनाउंसमेंट. जब ऑफिशियली किसी चीज को हम अनाउंस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रोक्लेमेशन. तो ऑफिशियल ऑर्डर है, ये अनाउंसमेंट है इशूड बाय अ पर्सन हु इज इन अथॉरिटी. जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है इसको अनाउंस करने की, वो अनाउंस कर रहा है एडिक्ट को. अब देखो एडिक्ट एक्चुअली में है क्या? एडिक्ट एक्चुअली में उस टाइम पर बड़े बड़े स्टोन, आपको पता है उस टाइम पर पेजेस ज्यादा थे नहीं. ठीक है, प्रिंटिंग नहीं थी वहां पर, कोई ऐसा पेपर को इन्वेंट नहीं किया गया था. तो जब अगर किसी किंग ने मैसेज देना होता था अपने लोगों को, अपने को जो उसके अंडर जो पीपल है, अगर उनको कोई मैसेज देना है, देन दे नोट डाउन इट ऑन द बिग पीसेज ऑफ स्टोन एंड दैट इज कॉल्ड द एडिक्स. देखो ये है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द अशोकन एडिक्स. और यहाँ पर हमें जो अशोकन एडिक्स के ऊपर जो बेटा हमारे यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्चुअली विजिबल नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर नो डाउन है, सम लाइंस आर नो डाउन हियर. कुछ यहाँ पर लाइंस नो डाउन की गई हैं. ठीक है, जो कि लोगों को जिस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अबाउट द अशोका धम्मा, अशोका के धम्मा के बारे में है. क्योंकि अशोका ने देखो बाद में किंग बनने के लेटर ऑन जब एक वॉर में आफ्टर विक्ट्री कलिंगा वॉर, जब उसने उसको विक्ट्री मिली थी कलिंगा वॉर में, तब उसके बाद उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था. तो बुद्धिज्म के रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी उसके प्रिंसिपल्स थे उसको उसने इन ऐसे पिलर्स के ऊपर एनग्रेव करवाया था दैट आर कॉल्ड द अशोकन एडिक्ट्स. ठीक है, तो ये ऐसे जो ये बड़े स्टोन्स हैं, नॉट सॉरी पिलर्स, दीज आर द बिग स्टोन्स. ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स. ओके, देन कम बैक टू अवर चैप्टर. देन दीज एडिक्ट्स आर स्प्रेड ऑल ओवर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नेपाल एंड इंडिया. एंड दे प्रोवाइड एस इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अशोकन एम्पायर. देखो जहाँ जहाँ प्लेस किया गया उनको, हमें पता लगता है कि अशोका का एम्पायर कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंडेड था. हिज रिलीजियस पॉलिसीज, अब जो कुछ उसने वहाँ पर लिखवाया उससे हमें पता लगता है उसकी रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. सो दिस पिलर्स गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस
Ashoka religious policies, his empire and his administration. These edicts deal with Ashoka's dhamma. So Ashoka ke dhamma ke deal karte hain ye. And further, these edicts are classified into pillar edicts, major rock edicts and minor rock edicts. और जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं दे आर टोटल 14 इन नंबर. इनमें से जो 13 जो रॉक एडिक्ट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. 13 नंबर है ये मेजर रॉक एडिक्ट्स. 13 टेल अस अबाउट द अशोकास विक्ट्री ऑफ कलिंगा. ये जो 13 रॉक एडिक्ट है ये हमें बताता है कि जो अशोका की जो विक्ट्री होती है कलिंगा के ऊपर. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बता के करवाऊंगी आपको मैं. मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट इट डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड रॉयल हंटिंग. अब देखो जब इसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट करने के बाद इसने एनिमल सेक्रीफाइस और रॉयल हंटिंग जो किंग गया शिकार पर जाते हैं उसके ऊपर टोटली पाबंदी लगा दी थी. तो रॉयल जो मेजर रॉक एडिक्ट है फर्स्ट, इसमें यह डिक्लेयर किया गया है लोगों को, ये देखो मैसेज दिया गया मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट से कि आप कि एनिमल सेक्रीफाइस प्रोहिबिटेड है एंड रॉयल हंटिंग इज आल्सो प्रोहिबिटेड. ओके, तो दिस इज अबाउट द अशोका एडिक्ट्स. नेक्स्ट इज अबाउट द स्टूडेंट सांची स्तूपा. अब देखो सांची स्तूपा क्या था. अब सांची एक्चुअली स्तूपा क्या होता है. स्तूपा आर एक्चुअली सेमी सर्कुलर. ये देखो सांची स्तूपा की जो पिक्चर की मैंने आपको, ये एक सेमी सर्कुलर सेमी स्फेरिकल एक बिल्डिंग होती है. ठीक है, और स्तूपास होते हैं बिल्टअप किए जाते हैं टू प्रिजर्व द बुद्धास रेलिक्स. बुद्धा के जो रिमेन है उसको प्रिजर्व करने के लिए, चाहे बुद्धा जो महात्मा बुद्धा के क्लोथ हैं, उनके हेयर हैं, ऐसे कुछ एक रेलिक्स वगैरह हैं जो लोगों ने उस टाइम पर प्रिजर्व किए थे. तो सांची स्तूपा जो था इट वॉज बिल्ड बाय द अशोका टू प्रिजर्व द रेलिक्स ऑफ द महात्मा बुद्धा. ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैसे गेट वे बना हुआ है. दिस इज अ गेट वे और यहाँ पर इस वे से इसको इसके ऊपर जो है कार्व किया गया है. एंड देयर आर द सम ऑफ द एनिमल्स फिगर्स आर एंग्रेव्ड ऑन इट. ये एनिमल्स की फिगर्स हैं इन जो इसके डोर की जो रेलिंग है इसके ऊपर. ओके, सो इट इज अ बुद्धिस्ट स्तूपा एंड बिल्ट बाय अशोका टू प्लेस द रेलिक्स ऑफ बुद्धा. इट इज सेमी स्फेरिकल माउंट ट्रैक स्ट्रक्चर एंड इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में है ये सांची स्तूपा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज एनसर्कल्ड बाय अ रेलिंग. तो इसके आसपास पूरी एक रेलिंग है. एंड फोर गेटवेज आर देयर इन फोर डायरेक्शंस. ऑल द फोर डायरेक्शंस में यहाँ पर फोर गेटवेज हैं एंड विच आर डेकोरेटेड विद रिलीफ स्कल्पचर. रिलीफ स्कल्पचर मीन्स जहाँ पर जो मूर्तियां वगैरह हैं उससे इसको डेकोरेट किया गया है. विच डिपिक्ट एपिसोड्स फ्रॉम बुद्धास लाइफ एंड फ्रॉम जनका टेल्स. जो मैं बताती हूँ बुद्धा की लाइफ के बारे में, जो जो स्कल्पचर्स हैं बेटा वो बुद्धा की लाइफ से लिए गए हैं. ठीक है, एंड फ्रॉम द जटका टेल्स. जटका टेल्स जो बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ के रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं उनसे जो स्कल्पचर्स हैं दे आर डेकोरेटेड. मीन जो जो ये डायरेक्शन जो ये गेटवेज है उनको डेकोरेटेड किया गया इन स्कल्पचर्स से जो हमें बताते हैं बुद्धास की लाइफ के बारे में एंड अबाउट द जटका टेल. ओके, तो दिस इज अबाउट द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एम्पायर. तो स्टूडेंट्स दिस इज इनफ फॉर टुडे. Have a nice day. Good bye all of you.